कहते हैं सत्ता का नशा जब आदमी के सर चढ़ बोलता है तो वह व्यक्ति सामने वाले को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। अब यह बात कांग्रेसियों पर साबित हो रही है। आए दिन कैप्टन के मंत्री किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहने लगे हैं। फिर चाहे वह कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत हो या फिर भारत भूषण आशु, और अब इस लिस्ट में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी का नाम भी आ जुड़ा है। जी, मैं प्रीतम सिंह बाठ, जिला सीनियर मीत प्रधान, श्रोमणी अकाली दल बादल। मैंने 2017 इन्होंने दोषियों ने मैं सट्टा ला के मैं मार के सुट गए। तकरीबन मैं 20-22 दिन DMC दाख रहा है जी, तो मेरे बेटे ने मेरे भरा भी सट्टा लाइया से। इन्होंने दोषियों से 13 दोषियों का पर्चा दर्ज होया 307, 326 वगैरह। उस तो बाद साढ़े तेना झूठा क्रॉस परचा बनाता जी, सानू वक् वक् अफसर ने इनकुआरी करके सानू बेगुनाह करके साडा परचा कैंसल किया गया। इन्होंने दोषी सर अगे पाए गए थे, ये कोई दोषी पुलिस ने फड़िया नहीं गा जी। ये सारे इन्होंने PO बनाता पुलिस ने, तो चलान पेश करता जी। असी वार वार अफसर को गेड़े कटते रहे, SSP साहब को भी, चंडीगढ़ भी गेड़े मारते रहे, किसी पुलिस ने कोई बंदा नहीं फड़िया जी। फिर असी मानयोग हाई कोर्ट के अमन कुमार मेरा वकील है जी, बहुत वधिया वकील है, असी उत्थे रिट पाई जी। वो फिर अपना मानयोग हाई कोर्ट ने SSP ने हुक्म दिते कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। रमन कुमार इंस्पैक्टर ने जी जो लखों के बराबर लगे थे, उन्होंने दो दोषियों ने जी हरमीत सिंह जरमलजीत सिंह फड़ लिया जी, अरैसट कर लिया जी। वो जो अरैसट करके इन्हों थाने लैके जा रहे थे जी, तो नसीब सिंह संधु जो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के निजी सकत्र ने, इन्हें 10-15 बंदे नाल लैके पुलिस से हमला करके उन्होंने दोषियों छुड़ा लिया जी। असी मुड़ के फिर भी जाके वो जो दोषी पिंड जाके बड़का मारते रहने, ललकारे मारते रहने भी तुहानू मार के जेल जावे, असीं हुण जेल नहीं जाना। उस तो बाद उस तरह सारे दरखास्तां भी पाइया। 18 तरीक नूं SSP साहब ने मेरी फोन पर भी गल हुई भी SSP साहब वो पिंड च बंदे तुरे फिरते शरेआम ललकारे मारते फिरते, अणपछाते बंदे भी तुरे फिरते भी तैनू मार के जेल फिर जावे, पर साडी पुलिस की कोई सुनवाई नहीं कर रही जी। असीं वार वार अफसरां नूं बेनती कर रहे हैं, पर सानू ये जे साडा नुकसान होवेगा तो साडी प्रशासन जिम्मेवार होगा। मैनूं लगता भी तेरी पुलिस सानूं मरवाउणा चाहुंदी है, तो साढ़े झूठे परचे भी होर बनाने चाहती है, पहले भी झूठे बने से हूँ फिर झूठे बनाने चाहती है। साड़ी तो प्रशासन को यह बेनती है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तो सानू सिक्योरिटी दवाई जाए, इस गल की मेहरबानी होगी। मैं तो हम SSP साहब को भी बेनती की है जी, हर DGP साहब को भी चिट्ठिया कटिया जी, अपना IG साहब को भी, DGP सिक्योरिटी तो मानयोग हाई कोर्ट भी चिट्ठिया कटिया जी। तो पुलिस ने कोई इस कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, तुम दोषी छड़ाए हो पुलिस तो हमला करके, तो पिंड च तुरे फिरते होना तो पुलिस उन्होंने गेड़ा ही ना मारे, पुलिस उन्होंने फड़े ही ना जी। असी सिक्योरिटी भी पहला भी पाया सीगा हाई कोर्ट के, उन्होंने ADGP सिक्योरिटी को कहा कि इन्होंने यदों बाद SSP साहब ने मतलब कि साड़ी सिफारिश करके ADGP साहब को भेजी सी, तो CID ने भी सिफारिश करके भेजी, पर सानू कोई भी अज तक सिक्योरिटी दिती नहीं गई। असीं मंग करदे हां कि एक तो बंदे फड़े जाण, तो एक जिहड़ी सानूं सिक्योरिटी दित्ती जावे, क्योंकि साडी सिफारिश होकर गई हुई है SSP साहब वालों भी, तो CID वालों भी, पर सानूं सिक्योरिटी दे दी जाए। किन्ना समां हो गया इन्हां ते परचा दर्ज होए? 8/7/2017 नूं परचा दर्ज होया सी जी, 8/7/2017, 3 साल ही हो चले जी, 3.5 साल जी। पुलिस ने दोषी नहीं किया? पुलिस ने दोषी कोई गिरफ्तार नहीं किया जी। तो जे रमन कुमार इंस्पैक्टर ने अपना मानयोग हाईकोर्ट वालों आर्डर होने करके मान तो उन्हें आपकी हिम्मत विखाई, तो वो इंस्पैक्टर को पता लगा भी कल ही उनकी बदली कर दी गई, क्यों भी इन्हें बंदे फड़े क्यों जो उन्हें शाबाश इंस्पैक्टर से मैं धन्यवाद करता रमन कुमार इंस्पैक्टर का, उन्हें बंदे फड़े ने तो इन्हें छड़ा के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के PA ने, तो उल्टी कल तो उनकी बदली भी कर दी भी क्यों इन्हें बंदे क्यों फड़े ने। इस तो शरिया भी आप याद हो जाता ना जी, भी सियासी सारे वे उस तरह की लगता है कि पुलिस प्रशासन से कोई राजनीतिक दबाव भी है? राजनीति दबाव तुहाडे सामने है जी, राजनीति बंदे छड़ा के लगे जी। की इन्हां दे राणा साहब दे PA ते परचा भी कोई दर्ज होया उस संबंध च? राणा सोढ़ी दे PA दे खिलाफ कोई परचा दर्ज नहीं होया जी, पर गल सुन रहे हैं भी चर्चा चल रही है भी हो गया, पर सानू अजे सामने नहीं कोई आ रहा साढ़े जी, पर परचा उन्दे दर्ज होना चाहिए ना जिहड़ा बंदे छड़ा के लै गया जी। तो 5-6 मेरे अणपछाते मेरे पिंड दे ने जिन्हां नूं मैनूं पता लगा शरेआम, वो एक जने दा सुनिया विच नाम जां पाउंड डैन, पर क्लीयर नहीं हो रहा जी, और जो 6-7 बाकी भी रहते सारे पता दर्ज होना चाहिए जी। की तुहानू पता लगा कि किन्हां ने बंदियां नूं छड़ाया, किहड़े PO बंदे? राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का PA नसीब सिंह संधु जी, ते नाल उहदे 15-20 बंदे अणपछाते।
ਪਰ 6-7 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3-4 ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਬ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਕਰਮੀ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਣਗੇ।